स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचनाएं, अपन ने बने कैसे थे वो देख लिया प्रोसेस, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी और एक नंबर का डायग्राम और अगर थोड़ा सा डिटेल में आता है तो पूरी स्ट्रक्चर आती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो इसका डायग्राम, तो सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो ये ह्यूमन का स्पर्म है और इसकी जो आकार है या इसकी जो शेप है वो कैसी चम्मच जैसी, तो कई बार आता है कैसी होती है तो उसे बोलते हैं स्पून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो है ये कैपेबल है, इसमें क्षमता है एग को पेनिट्रेट या अंडे को भेदने के लिए। अब देखो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे ऊपर हेड पोर्शन दिख रहा है और हेड पोर्शन के ऊपर भी एक्रोसोम है, तो अपन जो एक्रोसोम है उसको हेड पोर्शन में लेंगे, फिर उसके बाद में मिडिल पीस है और फिर एक जो है लास्ट में जाके टेल पोर्शन है। तो इस तरीके से अपन इसके अलग अलग पार्ट है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन हेड पोर्शन लेते हैं और हेड पोर्शन में ऊपर है आपको एक्रोसोम। ये एक्रोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया था कि जितने गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडीज है वो इकट्ठे होके इसका निर्माण करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम कहलाते हैं स्पर्म लाइसिन। और अगर अपन वैसे स्पर्म लाइसिन तो एक कॉमन नेम हो गया, लेकिन अगर हम स्पेशल देखें तो इसका नाम है अगर मनुष्य में देखते हैं तो हाइलुरोनिडेज। अब ये हाइलुरोनिडेज और एक नाम और है कैटेफिन, ये दोनों जो है मनुष्य के स्पर्म लाइसिन के नाम है, और इन्हीं एंजाइम की सहायता से ये जो एग के कवर हैं उन कवर को तोड़ने का या भेदने का काम करता है। ये एक्चुअली एसिडिक प्रोटीन है और जो इन झिल्लियों को गला देते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो हेड पोर्शन है उसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, मतलब केंद्रक और केंद्रक झिल्ली भी है, और केंद्रक के अंदर आपको गुणसूत्र मिलेंगे या क्रोमोसोम मिलेंगे, और क्योंकि ये अगुणित है हैप्लोइड है तो यहाँ पे आपको 23 23 आपको यहाँ पर क्रोमोसोम मिलेंगे, और यही पोर्शन जो है एग के अंदर एंटर करता है, क्योंकि जो एक्रोसोम है वो खत्म हो जाता है रिलीज करने के बाद, बाकी जो पीछे वाला पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो भी सब हट जाता है, केवल यही पोर्शन है जो एग के अंदर एंटर करता है। और इस पोर्शन में आपको जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों में ये भी कई बार क्वेश्चन आता है प्रोटेमीन प्रोटीन पाया जाता है, वैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है लेकिन यहाँ प्रोटेमीन, हाँ जो प्रोटीन है वो यहाँ पे मिलता है। तो ये पहला पार्ट हो गया हेड, जिसमें अपन ने एक्रोसोम को डिस्कस कर लिया। सेकंड जो पोर्शन है वो पोर्शन है मध्य भाग या जैसे मिडल पीस कहा हुआ है, और यहाँ पर देखो इस भाग में जैसे मान लो हालांकि बहुत छोटी सी आपको नेक या ग्रीवा दिख रही है और इसी में आपको एक सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा है, और सेंट्रोसोम जो होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, और विभक्त होने पर अपन इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, यानी तारक काय और तारक केंद्रक। तो ये जो तारक केंद्रक है ये दो हैं जो ऊपर की तरफ जिसे क्या लिखा गया है समीपस्थ सेंट्रियोल या समीप प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूसरा है वो नीचे की तरफ होता है जिसे हम डायस्टल या दूरस्थ तारक केंद्रक बोलते हैं। इन दोनों का थोड़ा थोड़ा सा कार्य, हालांकि इतना ज़्यादा ये इनका कार्य पता नहीं है, पर थोड़ा सा माना जाता है कि जो समीपस्थ या प्रॉक्सिमल है वो फर्टिलाइजेशन के समय जो है सेकेंड जो डिवीजन होता है या ये मान के चलिए स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में सहायक होता है, तो और दूसरा जो है दूरस्थ वो जो आपको ये धागे से दिखाई दे रहे हैं उनके निर्माण में सहायक होता है,
और ये बिल्कुल एक तरह से आप मान लीजिए फ्लैजिला ही है, यहाँ जैसे आपको दे भी रखा है फ्लैजिलम, तो ये फ्लैजिला इसके अंदर जो तंतु टाइप से हैं उसके निर्माण में सहायक होता है, और ये जो है पूरी शेप बनाने में या ये मान लीजिए कि इसकी आकृति बनाने में सहायक होता है, और इनके अंदर भी 9+2 की तरह तंतु उपस्थित होते हैं जो आपने फ्लैजिला की आंतरिक संरचना में पढ़ी थी। फिर उसके बाद में अपन दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे जिगजैग, मतलब जो ये फाइबर्स हैं इन फाइबर्स के चारों तरफ ऐसे फीते के रूप में इकट्ठे होते हैं, और इस संरचना को हम नेपेन कण, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो कि आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में होते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, तो उसे बोलते हैं नेपेन कण। और उसके अलावा यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे एक झिल्ली के रूप में चारों तरफ इकट्ठी रहती है, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं मैनचेट। तो ये जो कुछ नाम है वो आपको थोड़े से ढंग से याद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक जो फाइबर आपको दिख रहा है एन्यूलस, तो ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो थोड़ी रिंग के रूप में आपको दिखाई दे रही है, और इस रिंग को हम एन्यूलस या जेंसन रिंग भी कहते हैं। तो ये कुछ काम है जो आप थोड़े से नाम है जो उनको थोड़े ढंग से याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो जो हेड पोर्शन था उसका तो इम्पोर्टेंट काम क्या था, एक तो एक्रोसोम था वो एंटर करने में काम आ रहा था, फिर जो उसका न्यूक्लियस पार्ट था वो गुणसूत्र है उसमें इसलिए वो एंटर करेगा, और जो मिडिल पोर्शन है उस पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जितनी क्योंकि ये मान के चलिए कि 72 आवर्स जो है जिंदा रहता है, तो उस समय एनर्जी देना या ये सारा काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे मिडिल पीस है उसका काम यहाँ पे क्या है, एनर्जी देना, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। फिर लास्ट में इसका अगला पोर्शन है टेल पोर्शन, और ये जो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है लंबा पतला आपको पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, और सबसे लंबा भाग है ये, और इसमें भी आपको ये मानिए दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो ऊपर वाला है जिसमें फाइबर लगा हुआ है फाइब्रस शीट है, और नीचे वाले जो भाग है उसमें आपको फाइबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा 9+2 वाले यहाँ पे तंतु उपस्थित होंगे, और कुछ पोर्शन में फाइबर ऊपर है और नीचे फाइबर शीट होती है ऊपर और नीचे आपको नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको इस तरीके का एक मोटा सा तंतु जो नीचे जाते जाते बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो ये टेल है और इसका काम है मुख्य ताकि जो स्पर्म है या शुक्राणु उसके गमन में या मूवमेंट में सहायक हो। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो स्ट्रक्चर हो गई, फिर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि आपको वीर्य और बताई दिया था कि जो शुक्राणु है या स्पर्म है इसके साथ एक लिक्विड मीडियम होता है, तरल माध्यम होता है, तो ये दोनों मिलके जो बनाते हैं उसको हम वीर्य या सीमन कहते हैं, और इसमें जैसे मान लीजिए कि एक बार के एक्सक्रीशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और उसमें से 60% तो जो है ये मान लीजिए नॉर्मल है, लेकिन 40% जो होते हैं वही कहना चाहिए मोर एक्टिव होते हैं, यानी कि 200 या 300 मिलियन में से आप 60% को तो नॉर्मल निकाल दो जो केवल हेल्प करते हैं, और केवल 40% होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में सहायक होते हैं। तो उसमें भी ये आप मानिए कि क्योंकि इतनी जर्नी होती है इनकी तो वो एक दूसरे को खाकर जो है नष्ट कर देते हैं, तो काफी कम परसेंटेज में जो स्पर्म्स हैं वो अंडे तक पहुंचते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, स्पर्म्स की। उसके बाद में अपन चालू करेंगे, अब यहाँ पे देखो जो ये क्रिया है शुक्राणु बनने की, इस क्रिया पे कुछ हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का कंट्रोल होता है नियंत्रण होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया है, इसमें आपको ऊपर हाइपोथैलेमस और फिर नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा अगर ध्यान हो, हालांकि ये अभी अपन चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन आप लोगों ने 11 और 9th में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा,
तो ये जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से GnRH, यहाँ लिखा भी है, ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हाइपोथैलेमस निकालता है, जिससे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव होती है, वो सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद में इससे तीन हार्मोन आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो है FSH, एक है LH और एक है GH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और इन तीनों हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे FSH है वो फॉलिकल बनाएगा और यानी पुटक का निर्माण करेगा। उस पुटक में आपको पता है सर्टोली सेल्स होती हैं, और ये सर्टोली सेल्स जो हैं एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगी, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु निर्माण में सहायक होती हैं। दूसरी अपने पास में है LH। ये LH लेडिंग सेल्स को एक्टिव करेंगी, सक्रिय करेंगी, जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, और ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करेगा। उसी तरीके से जो GH है, वो GH ग्रोथ हार्मोन है, और ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स यहाँ पे जो भी अपनी प्रोसेस चल रही है इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब जैसे मान लो कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही हार्मोन, चाहे FSH हो, चाहे LH हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, ये जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स मेल हार्मोन्स का ग्रुप कहलाता है। तो एंड्रोजन अगर नाम आता है तो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो इससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना कि मैडम ने एंड्रोजन नहीं बताया। तो ये एस्ट्रोजन है, और अगर एंड्रोजन की बात आती है तो वो ग्रुप है। तो उस ग्रुप में बाकी जो सारी चीजें हैं, हार्मोन के अलावा टेम्परेचर है और मेंटल स्टेज है, ये सारी चीजें भी जो है शुक्राणु के निर्माण में या शुक्राणु बनने की क्रिया को कंट्रोल में करती हैं। अब यहाँ पे देखो कि वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ अगर स्पर्म है तो वो टेम्परेचर, ये मान लीजिए कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करता है, और इसीलिए जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो टेस्टेज हैं वो इसीलिए बाहर होते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें स्पर्म बनने की संभावना होती है। इसलिए जो है ये थोड़े ही समय में ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं, ये मान के चलिए करीबन 50-60 या 1 मिनट मान के चलो, ठीक है। अब इसके बाद में अपन एक डिफरेंस या अंतर और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं कि स्पर्मेटिड और स्पर्म यानी शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु में क्या अंतर होता है। तो आपको इसीलिए मैंने टेबल दे रही हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो स्पर्मेटिड है वो एक इमैच्योर यानी कि वो अपने ये मान के चले निषेचन के योग्य नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि स्पर्मेटिड जो है वो इमेच्योर है और स्पर्म्स हैं वो मैच्योर है। दूसरा ये मान के चलिए कि जो स्पर्मेटिड है उनका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जर्म सेल से या स्पर्मेटोगोनिया से हो रहा है, जबकि जो स्पर्म्स हैं वो किससे बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में जो स्पर्मेटिड है वो कहाँ मिलते हैं, सेमिनिफेरस की ट्यूब्स में और मतलब वॉल के आसपास मिलते हैं, जबकि आपको जो स्पर्म है वो स्पर्म आपको कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल बीच में। क्योंकि स्पर्मेटिड जो है वो आपने डायग्राम में भी देखा है कि सर्टोली सेल के अंदर घुसे रहते हैं, और उसके बाद में क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, फिर उसके बाद में जो स्पर्मेटिड है वो एक बिल्कुल सेल की तरह है, उसमें सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ आपको अलग नहीं दिखाई देगी, जबकि जो आपके स्पर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, उसमें आपको हेड भी अलग दिख रहा है, मिडल पीस अलग दिख रहा है, और उनके अंदर जो ऑर्गेनिल्स है वो भी आपको अलग दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में अगर शेप देखें तो
तो इस पर मैटेरियल राउंड शेप है, जबकि ये कैसा है, इसको चाहे आप इलोंगेट कह दो, या अगर ह्यूमन की बात करते तो स्पून शेप स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में जो स्पर्मेटिड है वो थोड़ा सा हैवी है और साइज में भी बड़ा है, जबकि स्पर्म जो है वो हल्का होता है और साइज में थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम होता है। फिर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं और बिल्कुल एज ए प्रॉपर सेल की तरह, जबकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अलग दिखेंगी। सबसे पहले तो काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं होंगी इसको हल्का करने के लिए, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपको मिडिल उसमें दिखेगी, सेंट्रोसोम आपको दिखेगा, गोल्जी एक्रोसोम बना लेती है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये चीज़ है वो अलग है। फिर उसके बाद में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि इसमें फ्लैजिला नहीं है इसलिए ये नॉन मोटाइल है, जबकि जो शुक्राणु है वो मोटाइल है, और लास्ट एंड फाइनल कि जो स्पर्मेटिड है वो एग में एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए इट इज ए इनकैपेबल, यानी कि इसमें वो क्षमता नहीं है जो कि निषेचन कर सके, जबकि जो स्पर्म है वो कैपेबल होता है और इजीली इसमें एंटर कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक आज आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में कल अपन ओजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।